अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2022 का पास्ट पेपर। इसके हम दो क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन थ्री। जैसे कि हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया, द क्वेश्चन थ्री इज़ अबाउट फॉरेक्स प्राइमरीली। इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क का 14 मार्क्स का कंप्यूटेशनल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स इज अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड देन देयर इज अ डिस्कशन क्वेश्चन डिविडेंड पॉलिसी से मुतालिक पार्ट सी है, वो भी 4 मार्क्स का है। सो इट्स अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम एक एक करके इनको अटेम्प्ट करेंगे, पार्ट ए बी एंड सी। क्वेश्चन थ्री, मुल्तान टेक्सटाइल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स रेडीमेड गारमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट। द मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स आर टू यूरोप विद कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफाइड इन यूरोज। MTL is listed on the Pakistan Stock Exchange. Historically, the company has not hedged against exchange rate movement. However, the recent volatility in the currency market and some exchange losses has led the board of MTL to revise its approach to risk management. ये पहले कभी हैज नहीं करते रहे, लेकिन अभी चूंकि वॉलेटिलिटी एक्सचेंज रेट्स की बहुत ज़्यादा है, तो दे आर नाउ कंसिडरिंग हैजिंग अगेंस्ट दिस रिस्क। द बोर्ड हैज ऑर्डर्ड सम स्पेशलिस्ट machinery for use in the Karachi factory. The new machinery was difficult to source, and after some deliberation, the contract was awarded to a supplier based in US. The specialist machinery will cost $2.5 million and will be delivered at the end of May. Acha, contract ye keh rahe hain ki was awarded, ho gaya hai. Specialist machinery will cost 2.5 and will be delivered by the end of May. The deposit of 0.5 million has already been paid. However, the balance will be due at the beginning of June after the machinery has been installed. Okay? Yani jaise hi May mein ho jayegi to first week of January mein aap iski payment kar denge. 0.5 million ka deposit aap pay kar chuke hain. Balance is $2 million payment. MTL has prepared its cash flow forecast for the next 6 months, and the board would like advice regarding several matters. Pehla, firstly, the board would like to hedge against exchange rate risk on the payment for the new machinery using the euro receipts from exports. Euro ki jo receipts aa rahi hain aapki, yani wo base currency hai, aur ab aap foreign currency samajh rahe hain kisko, kyunki aapki receipts euro mein hai, to wo base currency, dollar is your foreign currency, to euro versus dollar ki aap hedge karna chah rahe hain. Aapko fikr ye hogi ki against the euro kahin aisa na ho ki dollar jo hai wo badh jaye, यानी यूरो डेप्रिशिएट हो जाए, डॉलर अप्रिशिएट हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि यू रिक्वायर मोर यूरो टू पे फॉर दिस $2 million पेमेंट। अच्छा जी, तो फर्स्टली द बोर्ड वुड लाइक टू हैच अगेंस्ट एक्सचेंज रिस्क ऑन द पेमेंट फॉर द न्यू मशीनरी यूजिंग यूरो रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। टिपिकली देर आर €2 million रिसीट्स एवरी मंथ। You should assume that the hedge will commence at the end of December. December के end पे अगर ये शुरू हो जाएगी, तो May के end, June का first week, यानी 5 महीने है from now, date of hedge से transaction date तक 5 महीने का period है, और 5 months बाद की जो payment है उसे हमने hedge करना है। Information for forward contract, money market hedge and futures is as follows. 31 December को spot rate given है USD per euro, USD per euro। अब देखें, जो हमें स्पॉट रेट गिवन है वो गिवन है यूएसडी पर यूरो में। यूएसडी पर यूरो का क्या मतलब हो गया, 1.790 टू 1.0810 डॉलर पर यूरो, राइट है ना। यूएसडी पर यूरो का मतलब ये है कि ये आपकी फॉरेन करेंसी है जिसके अगेंस्ट, जिसको आप हेज करना चाह रहे हैं, एंड यूरो इज योर बेस कहें, या इसे आप लोकल करेंसी ट्रीट करें। तो ये कौन सा कोट हो गया, फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। दिस इज एन इनडायरेक्ट कोट, दिस इज एन इनडायरेक्ट कोट। हमने हेज क्या करना है, हमने हेज करना है किसे, हमने डॉलर की पेमेंट है उसे हेज करना है, डॉलर पेमेंट को। कितनी डॉलर पेमेंट, 2 मिलियन की डॉलर पेमेंट को हेज करना है। जब हमें डॉलर की पेमेंट करनी है तो हमें डॉलर बाय करने हैं, फॉरेन करेंसी बाय करने हैं, तो एप्लीकेबल रेट इज सेलिंग रेट फॉर अस। इनडायरेक्ट कोट में, इन इनडायरेक्ट कोट सेलिंग रेट इज लो एंड बाइंग रेट इज हाई, क्योंकि उल्टा होता है, राइट। यू सेल लो एंड यू बाय हाई। जो हमारा डायरेक्ट कोट में, उसमें हम सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं,
बाइंग रेट इज़ लोअर, सेलिंग रेट इज़ हायर, इनडायरेक्ट कोट में उल्टा होता है, ये सब पढ़ा हुआ है हमने, मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ। तो सेलिंग रेट इज़ द लोअर रेट। तो अगर स्पॉट रेट के हिसाब से देखें तो दिस इज गोइंग टू बी अवर सेलिंग रेट। अच्छा जी, अब आइए उसके बाद हमें फॉरवर्ड प्रीमियम गिवन है सेंट्स पर यूरो की फॉर्म में, राइट। सेंट्स हैं तो हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो डॉलर पर यूरो बन जाएगा। तो फॉरवर्ड रेट निकाल लेंगे। मार्च के फ्यूचर्स गिवन है, जून के फ्यूचर्स गिवन है, मार्च फ्यूचर्स की हेज करते हैं तो मार्च तक तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी पेमेंट तो आनी मई एंड जून फर्स्ट वीक में है, तो जून फ्यूचर्स रेलिवेंट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइज 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, और फिर मार्च और जून दोनों के हमें रेट्स गिवन है यूएसडी पर यूरो, तो हमारे लिए रेलेवेंट इज़ द जून फ्यूचर्स। फर्स्ट जून 2023 एस्टिमेटेड, जो कि आपकी पेमेंट की डेट है, स्पॉट रेट उस दिन होगा यूएसडी पर यूरो, वो गिवन है 1.068 टू 1.069। जून फ्यूचर्स का उस दिन का रेट गिवन है हमें, टिक साइज बताई गई है, इंटरेस्ट रेट्स बताए गए हैं 6 to 6.5% पर एनम इन यूरो में, यूएसडी में 3 to 3.6%। लोअर रेट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, हायर रेट इज़ फॉर बोरिंग, दिस इज़ फॉर मनी मार्केट प्रॉब्ली। अच्छा, फिर सेकेंडली, द कैश फ्लो फोरकास्ट हैज आइडेंटिफाइड दैट द कंपनी विल गो ओवरड्रॉन इन 6 months टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, यानी बाय द एंड ऑफ द जून यू विल गो ओवरड्रॉन, यानी आपको ओवरड्राफ्ट आप लेंगे और 6 महीने तक आपकी बोरिंग की नीड होगी। द ओवरड्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹200 million। द बोर्ड इज कंसर्न दैट इंटरेस्ट रेट्स विल राइज अबव द करंट 7% एंड वुड लाइक एडवाइस ऑन हाउ टू हेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क यूजिंग एन ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन विद अ बैंक। फिर ओटीसी इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के प्रीमियम्स गिवन है, कोटेड एज अ एनुअल परसेंटेज पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस 93, जून और सितंबर के डेट्स के सेम एक्सरसाइज प्राइस है, और एक जून का है एक सितंबर का है। रेलेवेंट हमारे लिए नेचुरली जून का होगा क्योंकि जून में ही ट्रांजैक्शन हो रही है, कॉल पुट वो हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए होगा। फिर उनके प्रीमियम्स गिवन है। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस हाउ द कंपनी कैन हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क इन 5 months टाइम। तो पहला पार्ट इज अबाउट एक्सचेंज रेट रिस्क, उसमें हमारे पास फॉरवर्ड, मनी मार्केट और फ्यूचर्स तीन से हम कैसे हेज कर सकते हैं, इसकी हमें कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा, अब आ गया हमारा, ये एक बेसिक बात हो गई, हमें पेमेंट करनी है। हमने ये बता दिया कि हमारे पास जो रेट्स हैं वो इनडायरेक्ट फॉर्म में हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड तो हमें फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट के लिए हमें स्पॉट गिवन है, हमारा जो रेलेवेंट स्पॉट रेट है वो हमें पता है डॉलर पर यूरो। सेलिंग रेट हम लेंगे, राइट, हमारा है 1.790। अच्छा, इनडायरेक्ट कोट है, प्रीमियम है, तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम लेस होता है इनडायरेक्ट में, डिस्काउंट ऐड होता है, ऐड इज प्रिंसिपल। डायरेक्ट कोट में डिस्काउंट लेस होता है, प्रीमियम ऐड होता है, नॉर्मल काम होता है, इनडायरेक्ट में उल्टा होता है, तो प्रीमियम लेस होगा। प्रीमियम डॉलर्स की फॉर्म में अगर हम लेस करें, ये सेंट्स हैं, तो ये 0.0146 होगा, तो ये आप लेस कर दें, ये बन जाएगा आपका फॉरवर्ड रेट। ऑफ कोर्स फॉरवर्ड सेलिंग रेट, क्योंकि आपने बाय करने, एप्लीकेबल रेट इज सेलिंग रेट। तो कैन वी फाइंड दिस आउट, 1.79 माइनस 0.0146, 1.0790, और यूं इसीलिए ये छोटा है 1.0790 माइनस 0.00146। तो ये 1.0644 ये बन गया हमारा फॉरवर्ड का सेलिंग रेट, राइट। अच्छा जी, तो अब आइए 1.0790 से हमने माइनस किया, ये हमारा फॉरवर्ड रेट बन गया। $2 million की हमें पेमेंट करनी है, कट
हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2022 का पेपर और इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 हम कर चुके हैं। जैसा कि हमने बेसिक ओरिएंट ओवरव्यू में डिस्कस किया, ये क्वेश्चन 3 इज़ अबाउट फॉरेक्स प्राइमरली एक्सचेंज रेट रिस्क का 14 मार्क्स का कंप्यूटेशनल पार्ट है, 4 मार्क्स का कंप्यूटेशनल कम डिस्कशन पार्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क का, और फिर 4 मार्क्स का इसमें डिविडेंड पॉलिसी डिसीशन के हवाले से जो है वो डिस्कशन है। इट्स अ डिस्कशन क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स का यूँ ये क्वेश्चन बन जाता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रीड करना मुझे फॉलो करें। मुल्तान टेक्सटाइल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स रेडीमेड गारमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट। द मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स आर टू यूरोप विद कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफाइड इन यूरोस। MTL is listed on Pakistan Stock Exchange. Historically, the company has not hedged against exchange rate movement. However, the recent volatility in currency markets and some exchange losses has led the board of MTL to revise its approach to risk management. अभी तक आप हेज नहीं कर रहे थे, लेकिन recent exchange rate risk को आपने महसूस किया है और आप उसके अगेंस्ट रिस्क मैनेजमेंट करना चाहेंगे। The board has ordered some specialist machinery for use in the Karachi factory. The new machinery was difficult to source and after some deliberation the contract was awarded to a supplier based in US. The specialist machinery will cost $2.5 million and will be delivered at the end of May. The deposit of 0.5 million has already been paid. So 2.5 mein se 0.5 pay ho gaya. Kya bacha? $2 million. However, the balance will be due at the beginning of June after the machinery has been installed. May के एंड में मशीनरी इंस्टॉल्ड होगी और फिर जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो आप जून के फर्स्ट वीक में बिगिनिंग में आप उसकी $2 million की पेमेंट कर देंगे। MTL has prepared its cash flow forecast for the next 6 months and the board would like advice regarding several matters. Firstly, the board would like to hedge against exchange rate risk on the payment for the new machinery using the euro receipts from exports. यानी यूरो की आपकी रिसीट्स हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ बेस करेंसी है आपके पास जो अवेलेबल है, और आपका रिस्क क्या है कि आपने डॉलर में पेमेंट करनी है तो आप यूरो के अगेंस्ट हेज करना चाह रहे हैं डॉलर्स। आपका रिस्क ये होगा कि आज जो यूरो डॉलर पैरिटी है कहीं ऐसा ना हो बाय द टाइम यू गो एंड मेक दिस पेमेंट जो कि आपकी होने वाली है $2 million की पेमेंट, कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर अप्रिशिएट हो जाए, यूरो डेप्रिशिएट हो जाए एंड मोर यूरो रिक्वायर्ड टू पे फॉर दिस $2 million, कहीं ऐसा ना हो, ये है आपका रिस्क। अच्छा, टिपिकली देर आर यूरो 2 million रिसीट्स एवरी मंथ। यू शुड अज्यूम दैट द हेज विल कमेंस एट द एंड ऑफ दिसंबर। अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हेज दिसंबर के एंड में कमेंस होगी तो दिस मीन्स कि फिर हमने मे एंड या जून का फर्स्ट वीक यानी 5 महीने का पीरियड है जिसका हमें रिस्क है, जिसके बाद हमारी पेमेंट होगी। Information for forward contract, money market hedge and futures is as follows. 31st December spot rate USD per euro. USD per euro. अच्छा, spot rate जो हमें given है वो है 1.0790 to 1.0810. This is USD यानी dollar per euro. अब देखें हमारे डॉलर क्या है, डॉलर इज़ अवर फॉरेन करेंसी जिसके थ्रू जिसकी हमें पेमेंट करनी है। यूरो इज़ अवर बेस कह लें या लोकल करेंसी कह लें फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कौन सा कोट हो गया, फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, दिस इज इनडायरेक्ट कोट, राइट। इनडायरेक्ट कोट में हमें पता है मामलात उल्टे होते हैं, डायरेक्ट कोट में आप सीधा चलते हैं, यू बाय लो यू सेल हाई। इनडायरेक्ट कोट में उल्टा होता है, यू बाय हाई एंड यू सेल लो, तो सेलिंग रेट इज हायर, सेलिंग रेट इज सॉरी लोअर, सेलिंग रेट आपका लोअर होता है, बाइंग रेट आपका हायर होता है। दिस इज द पिक्यूलैरिटी ऑफ इनडायरेक्ट कोट। तो इनडायरेक्ट कोट के हिसाब से अगर हम देखें तो 1.079 इज लोअर, ये सेलिंग रेट हो जाएगा और ये बाइंग रेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें डॉलर की $2 million की हमें पेमेंट करनी है। जब हमें पेमेंट करनी है तो हमारे लिए पेमेंट का मतलब हमें डॉलर्स बाय करने हैं। जब हमें बाय करना होता है तो एप्लीकेबल रेट वुड बी, डीलर क्या करेगा सेल करेगा, तो हमारे लिए एप्लीकेबल रेट इज सेलिंग रेट, यानी हमारा एप्लीकेबल रेट है 1.0790। आज की तारीख में मैं अगर इस $2 million
की कन्वर्जन करूं और मैं देखूं कि मुझे कितने यूरो चाहिए होंगे, तो आज की तारीख में मुझे चाहिए होंगे कितने। ये मैं ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिर्फ डिस्कशन के लिए, दिस कैलकुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। 1.079 ये बन गया 2 मिलियन डिवाइड बाय 1.0790, ये बन गया 1853568। हमें फिक्र ये है कि कहीं ऐसा ना हो आज अगर हम पेमेंट करने जाएं इस डॉलर की थ्रू यूरो, तो 1.85 मिलियन हमें यूरो चाहिए, 1853568, ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा यूरो चाहिए हो, डॉलर एप्रिशिएट हो जाए, मोर यूरो रिक्वायर्ड टू बाय दीज डॉलर्स ना हो जाए, ऐसा ही है जी। जी अब आइए, हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें स्पॉट रेट के बाद फॉरवर्ड का प्रीमियम गिवन है, इनडायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट में प्रीमियम क्या होता है, लेस हो जाता है, तो हम स्पॉट से प्रीमियम लेस कर देंगे, डायरेक्ट कोट में प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट लेस होता है, इनडायरेक्ट में यहाँ भी उल्टा काम होता है, तो हम प्रीमियम लेस करेंगे एंड देन यू वी विल अराइव एट व्हाट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट। फिर मार्च फ्यूचर्स, जून फ्यूचर्स, 1 June 2023 एस्टिमेटेड स्पॉट रेट गिवन है हमें, अच्छा फ्यूचर्स गिवन है हमें मार्च के और जून के, हमारे लिए रेलेवेंट क्या होंगे, हमारी पेमेंट आनी है मई एंड या जून का फर्स्ट वीक कह लें आप, तो हमारे लिए मार्च के फ्यूचर्स रेलेवेंट नहीं है, मार्च के तो ट्रांजैक्शन से पहले एक्सपायर हो जाएंगे, तो हमारे लिए रेलेवेंट जून के फ्यूचर्स हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है, उनके रेट्स गिवन है। फिर 1 June एस्टिमेटेड जो ट्रांजैक्शन डेट है उसका स्पॉट रेट गिवन है, जून के फ्यूचर्स उस वक्त जो सर्वाइव करेंगे उनका रेट गिवन है, टिक साइज गिवन है, फिर इंटरेस्ट रेट्स गिवन है, ये इंटरेस्ट रेट प्रॉब्ली मनी मार्केट के परस्पेक्टिव से गिवन है, यूरो एंड यूएसडी, यूरो के 6 to 6.5%, यूएसडी 3 to 3.6%, लोअर रेट फॉर लैंडिंग डिपॉजिट और हायर रेट इज फॉर बोरोइंग। सेकेंडली द कैश फ्लो फोकास एज आइडेंटिफाइड दैट द कंपनी विल गो ओवरड्रॉन इन 6 months टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के बाद, यानी अगर आज 31st December है, एंड ऑफ दिसंबर है, तो यानी जून के एंड पे जाके आपको आपके कैश डेफिसिट आएगा जो कि 6 महीने चलेगा, उसके लिए आपको बोरिंग करनी पड़ेगी। द ओवरड्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹200 मिलियन, द बोर्ड इज कंसर्न दैट इंटरेस्ट रेट्स विल राइज अबव द करंट 7% एंड वुड लाइक एडवाइस ऑन हाउ टू हेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क यूजिंग द ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन विद अ बैंक। ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन हमें गिवन है, कोटेड एज परसेंटेज एनुअल पॉइंट्स ओवर द काउंटर है, तो हम अपनी एग्जैक्ट जो हमें अमाउंट चाहिए उसके हिसाब से हम वो ले लेंगे और पीरियड के हिसाब से। स्ट्राइक प्राइस 93 है, एक जून का है, एक सितंबर का है, हमारे लिए रेलेवेंट जून ही होगा क्योंकि जून के यानी एंड पे जाके हमें हमारी ट्रांजैक्शन होगी बोरोइंग की। कॉल पुट क्या होगा ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम इंटरेस्ट रेट रिस्क का पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। Required part A, explain with supporting calculations how the company can hedge against exchange rate risk in 5 months time. हम exchange rate risk के against कैसे hedge करें, हमारे पास 3 modes available हैं, 1 is forward, the other is money market, the third is futures, तीनों के through हम कैसे hedge कर सकते हैं ये हम discuss करेंगे। तो पहला सबसे करते हैं forward, right? Spot rate हमें given है, हैजिंग वाया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। स्पॉट हमें गिवन है, जो हमारा रेलेवेंट स्पॉट है सेलिंग रेट वो क्या है, डॉलर पर यूरो इज 1.0790, लेस कर दें इसमें से प्रीमियम, प्रीमियम गिवन है इन सेंट्स पर यूरो, तो सेंट्स पर यूरो है, तो डॉलर पर यूरो करने के लिए इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा विथ 100, तो ये माइनस कर दें 0.0146, तो क्या आ गया हमारे पास फॉरवर्ड का रेट, ऑफ कोर्स ये भी फॉरवर्ड का सेलिंग रेट आएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड रेट है 1.0790 माइनस 0.0146, तो ये 1.0644 बन गया। तो हम 2 मिलियन डॉलर्स को डिवाइड करें, डिवाइड बाय 1.0644, तो कितने यूरो बन जाते हैं कैलकुलेट करें, जाते हैं 1878993 राउंड ऑफ कर दिया, 992 पॉइंट समथिंग था, 6 या 7,
तो ये बन गया 1878993 992.8, तो राउंड ऑफ करके 993 बन गया। अगर हम फॉरवर्ड के थ्रू जाते हैं तो वी कैन लॉक अवर सेल्फ इनटू दिस अमाउंट 1878993। फिर दूसरा आ जाए, द अदर मोड इज मनी मार्केट। आप देखें हमारा खतरा सही साबित हो रहा है। हम आज खड़े होकर दिसंबर के एंड पे कह रहे हैं कि इतने यूरो चाहिए, फॉरवर्ड में भी यूरो डेप्रिशिएट हो रहा है, मोर यूरो विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज $2 million। लेकिन इसमें यह है कि आपको पता चल गया, सुकून है कि जी मुझे इतने ही यूरो चाहिए होंगे, एंड देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, इट्स अ परफेक्ट हेज। देन कम्स मनी मार्केट। मनी मार्केट का उसूल हमें पता है, जो काम फ्यूचर में करना है उसे आज करने का नाम हेजिंग है। तो जब हम मनी मार्केट के थ्रू जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ मनी मार्केट, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमें डॉलर बाय करने हैं इन फ्यूचर। तो हम क्या कहेंगे, लेट्स बाय या परचेज एक्स डॉलर्स टुडे सच दैट, ना सिर्फ बाय करके एंड डिपॉजिट कर देंगे फॉर 5 months, सच दैट एक्स प्लस इंटरेस्ट फॉर 5 months, इंट जो भी हम आएगा हम इसे डिपॉजिट करेंगे, इंटरेस्ट फॉर 5 months जो भी हम करते हैं, ये बिल के क्या बन जाए, ये $2 million की फिगर बन जाए। इतने डॉलर आज हम परचेज करेंगे और डिपॉजिट कर देंगे 5 months के लिए। डॉलर का डिपॉजिट क्या है, रेट क्या है, डॉलर का डिपॉजिट रेट 3% है, तो x इंटू 3% इंटू 5 / 12, ये 2 million बन जाए। तो लेट्स फाइंड आउट x, x की फिगर फाइंड आउट करें, क्या फिगर बन जाती है, 1975308.6, यानी 1975309, x की फिगर बन गई 1975309, राइट। इतने डॉलर्स आज हमें बाय करने पड़ेंगे, ये डॉलर्स आज हम बाय करेंगे, जब हम बाय करेंगे एट स्पॉट सेलिंग रेट पे, वो स्पॉट सेलिंग रेट हमें मौजूद है 1.0790, तो हमें कितने यूरो चाहिए होंगे रिक्वायर्ड, तो हम 1975309 इसको डिवाइड करें 1.0790 से, तो क्या फिगर बन गई इन यूरोस, 1975309 डिवाइडेड बाय 1.0790, दिस इज 1830685, ये यूरो आज हमें चाहिए होंगे, ये यूरो रिक्वायर्ड टुडे, राइट। अब ये जो यूरो हमें चाहिए आज, यूरो रिक्वायर्ड टुडे वुड बी 1830685। अब सवाल ये आता है कि क्या ये हम यूरो बोरो करेंगे, हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये हम बोरो करेंगे, लेकिन साथ हमें ये भी बताया गया है कि हमारी हर महीने यूरो की रिसीट भी आ रही है, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि यूरो हमारे पास आएंगे या हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं, तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी द इंटरेस्ट इनकम लॉस्ट। हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हम ये यूरो बोरो करेंगे। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि हम यूरो की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इज द इंटरेस्ट इनकम फॉरगोन, तो फिर हम रेट यूज करेंगे 6%। अगर हम अज्यूम करें कि हम यूरो को बोरो करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि हमारी यूरो को ये रिसीट्स हैं वो हमारे अपने और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए यूज हो रही हैं, तो फिर हम 6.5% का रेट भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल, दोनों ही ठीक हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके सजेस्टेड सॉल्यूशन में उन्होंने 6% यूज़ किया है, विच मेक सेंस इन दैट सेंस कि यहाँ हमें ये नहीं कहा गया कि एनी बोरोइंग, आपके पास कोई सरप्लस कैश नहीं है जो भी आप करेंगे, क्योंकि ये यूरो वो हैं जो हम आज इसके लिए इन्वेस्ट करेंगे, आज हम ये कन्वर्जन का प्रोसेस कर लेंगे।
पेमेंट हमें वैसे तो प्लान के हिसाब से 5 महीने बाद करनी है, लेकिन इस एक्सचेंज रेट रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम आज डॉलर रे के डिपॉजिट कर लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक तरीके से यूरो के जो पैसे डिपॉजिट होने थे वो यूरो को हमने डॉलर में कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर लिया, तो हम लूज़ क्या करेंगे, यूरो का की इंटरेस्ट इनकम। द अदर वे इज़ दैट यू कैन अज्यूम कि आप यूरो बोरो करना पड़ेगा और यूरो का बोरिंग रेट लें, बट ज़्यादा मुनासिब इज़ दैट वी गो अहेड विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 6%। ये मैं मिटा रहा हूँ, आई होप आपने इस सब ने के पास ये अब मौजूद है। अब आइए इसी मनी मार्केट को अगर हम कंक्लूड करें, तो हम कहेंगे अच्छा यूरो जो हमें यूरो रिक्वायर्ड जो थे आज वो हमने लिखे 1830685, फिर हम कहें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 5 मंथ्स, तो ये बन जाएगी 1830685 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाय 12। क्या फिगर बन गई, 1830685 इंटू 0.06 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, 45767। ये आप ऐड कर दें तो टोटल यूरो की कॉस्ट क्या बन गई, टोटल यूरो की कॉस्ट बन गई, इसमें ऐड कर दें प्लस 1830685, तो 1876452, राइट। हमारी जो उसकी कॉस्ट थी फॉरवर्ड की भी, वो भी करीब करीब थी 1878 समथिंग की फिगर थी, तो मनी मार्केट हमें थोड़ा सा उससे बेहतर है अगर हम मनी मार्केट के थ्रू जाते हैं। अच्छा अब अगर कोई बोरिंग का रेट ले लें, अगर आप इसकी जगह 6.5 ले लें, अगर आप बोरिंग रेट ले लेंगे तो थोड़ी सी फिगर फ़र्क हो जाएगी, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। 685 इंटू 6.5% कर लेंगे आप इंटू 5 डिवाइड बाय 12, तो फिर ये फिगर 45 की जगह चेंज होके क्या बन जाएगी, 1830685 इंटू 0.065 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, तो फिर ये 49 की फिगर बन जाएगी, 49581। राइट, 45767 की जगह, तो ऑफ कोर्स फिर आपका की बॉटम लाइन भी चेंज हो जाएगी, तो इसकी कोई परेशानी की बात नहीं है, जो भी आप करें उसको आप लिख लें कि दिस इज़ व्हाट यू आर अज्यूमिंग। ठीक हो गया जी, ये हो गया मनी मार्केट का आउटकम। अब आते हैं हम किस पे, अब हम फ्यूचर्स पे आ जाएं, इसके बाद फ्यूचर्स हेज, यहाँ तक आप सब पहुँच जाएँ तो फिर हम करते हैं फ्यूचर्स हेज। फ्यूचर्स हेज थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इट्स एन इनडायरेक्ट हेज और इसी के ज़्यादा मार्क्स भी हैं। ये फॉरवर्ड और मनी मार्केट तो काफ़ी सिंपल था, अब आ जाएं फ्यूचर्स पे। इसके बाद पहले हम हेज सेटअप करेंगे 31 दिसंबर को, और फिर 1 जून को जाके हम हेज आउटकम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, फ्यूचर्स हेज 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, हम हेज सेटअप करेंगे। जब हम हेज सेटअप करते हैं तो हम सर्टन क्वेश्चंस आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बाय सेल, हमें क्या करने है, हमें डॉलर्स बाय करने इन फ्यूचर, तो हम डॉलर के फ्यूचर्स अगर हों तो हम बाय करेंगे। सिंस वी डोंट हैव डॉलर फ्यूचर्स, हमें किसके फ्यूचर्स हैं, यूरो के फ्यूचर्स हैं। कैसे पता चल रहा है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिस करेंसी में होती है उसी करेंसी का फ्यूचर होता है, तो हमने कहा अच्छा हम इनडायरेक्ट चलते हैं, अगर हम डॉलर बाय करेंगे तो इफेक्टिवली यूरो क्या करेंगे, यूरो सेल करेंगे, तो सेल यूरो फ्यूचर्स टुडे। राइट,
तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, ये काम तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल करेंगे आज यूरो के फ्यूचर्स, बिकॉज दिस इज हाउ वी विल हेज. द सेकेंड क्वेश्चन इज विच कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो आंसर सिंपल है, वो हमने पहले भी किया, जून मार्च तो उस वक्त तक जिंदा ही नहीं होंगे. तीसरा आएगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यहाँ एक एडिशनल स्टेप आता है इनडायरेक्ट हेज में, कि वी नीड टू कन्वर्ट. हमारे पास फ्यूचर्स हैं यूरो के, रिक्वायर्ड क्वांटिटी डॉलर्स की है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डॉलर की अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे. हम स्ट्रेट डॉलर को यूरो के स्टैंडर्ड क्वांटिटी साइज से डिवाइड नहीं कर सकते. तो हमारे पास जो जून फ्यूचर्स का जो यूरो का की प्राइस है 1.0894, हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये यूरो बनेंगे. पहले ये एक पहला स्टेप है जो हम करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे. डिवाइड बाय 1.0894, ये बन गई फिगर 1835873 की ये फिगर बन गई 1835873. अब हम इसे ये काम कर सकते हैं यहाँ कि हम इसे डिवाइड करें विथ 20,000 पर जो कॉन्ट्रैक्ट की फिगर है यूरो की स्टैंडर्ड साइज. तो ये क्या फिगर बन जाएगी, इसे डिवाइड करें 20,000 से, ये बन गई 91.8. तो इफेक्टिवली 92 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. तो अब हम ये कह रहे हैं कि बाय सेलिंग 92 जून यूरो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स द हेज विल बी सेटअप. मैं ये मनी मार्केट वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ अभी. तो हम कहेंगे बाय सेलिंग 92 जून यूरो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हेजेस सेटअप, राइट. अब जब हेज सेटअप हो गई तो फिर क्या होगा, फिर हेज आउटकम कैलकुलेट होगा. ये काम सारा हुआ 31 दिसंबर को, फिर हम ट्रांजैक्शन डेट पे आ जाएंगे. ट्रांजैक्शन डेट हमारी क्या है, हमारी 1 जून इज़ द ट्रांजैक्शन डेट. अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे हेज आउटकम, राइट. 1 जून को जो ट्रांजैक्शन डेट है, हम स्पॉट मार्केट में जाएंगे, वी विल बाय $2 million. हम स्ट्रेट बाय करेंगे, बल्कि मैं यहाँ हेज आउटकम कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि एक पूरी यहाँ फिगर बन जाए हेज आउटकम. हम स्पॉट मार्केट में जाएंगे और स्पॉट मार्केट में जाके हम $2 million बाय करेंगे एट स्पॉट सेलिंग रेट. और वो स्पॉट सेलिंग रेट क्या है, वो 1 जून का स्पॉट सेलिंग रेट हमें गिवन है 1.0682 1.0692. द लोअर रेट हम यूज़ करेंगे 1.0682 का रेट. तो हमारी यूरो की क्या कॉस्ट आ जाएगी वो कैलकुलेट करें, $2 million 1.0682, दिस ट्रांसलेट्स इनटू 1872309 की आपकी ये कॉस्ट आ गई. अब आप फ्यूचर को क्या करेंगे, आप फ्यूचर्स मार्केट में जाके क्लोज आउट करेंगे. आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी सोल्ड कितने यूरोस, 92 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 20,000 ईच. तो 92 into 20,000 इफेक्टिवली 1840 92 into 20K 1840000 यूरो आप सेल कर चुके हैं. एट वॉट रेट, एट द रेट ऑफ $1.0894 पर यूरो. तो क्लोज आउट क्या करेंगे आप, ये काम आप कर चुके हैं 31 दिसंबर को. अब आप 1 जून को क्या करने जा रहे हैं, आप 1 जून को करेंगे टू क्लोज आउट. आप बाय करेंगे सिमिलर इतने ही यूरो, यानी 20,000 के 92 कॉन्ट्रैक्ट्स.
एट वॉट रेट, जो 1 जून को इसका रेट है, और वो रेट है 1.0699, इस पे आप बाय करेंगे, इस पे सेल कर चुके हैं, आपको गेन क्या आ जाएगा, इतने डॉलर का गेन होगा पर यूरो, 1.0894 माइनस 1.0699 0.0195 डॉलर पर यूरो। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें इनटू 1840 तो कितने डॉलर्स बन जाएंगे, ये गेन डॉलर्स में बनेगा। ये अब इनडायरेक्ट हैज में दूसरा एडिशनल काम होता है, डायरेक्ट हैज में ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, इनडायरेक्ट में आती है कि गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स मार्केट आपका फॉरेन करेंसी के अंदर आता है। यहाँ गेन आ रहा है इनटू 0.0195 इनटू 1840000, तो ये बन गया 35880 डॉलर। इन डॉलर्स को आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इन डॉलर्स को आप जब ये आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, इन डॉलर्स को आप सेल करेंगे, यू विल सेल एट स्पॉट बाइंग रेट, इस पे लगेगा स्पॉट बाइंग रेट। और स्पॉट का बाइंग रेट क्या है, वो बाइंग रेट है आपका उस दिन का 1.0692 हायर रेट, इससे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या फिगर बन गई, बन गई 33558। ये फिगर बन गई आपकी 33558, ये आपकी गेन की फिगर है 33558। तो ये यूरो में फिर फिगर बन गई आपकी, ये आपकी रिसीट है, ये आपकी पेमेंट है, तो नेट अमाउंट क्या बन गया आपका 33558 1838751, ये आपकी नेट कॉस्ट आ गई यूरो के अंदर 1838751, ये की आपकी कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, तो ये अगर हम कंपेयर करें इसको मनी मार्केट के आउटकम से और फॉरवर्ड से, तो 1878 1876 और ये 1838, सो दिस इज़ द लोएस्ट कॉस्ट। तीनों ही ऑप्शंस में से जो ऑप्टिमल ऑप्शन है वो हमारा ये यूरो फ्यूचर्स का है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ ये कि देखें, हम ये भी कर सकते हैं अगर किसी ने ऐसा किया हो कि जी ये हमें डॉलर की रिसीट हुई, हमें 2 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है, तो वाई डू वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू यूरो, और फिर यूरो को से हम बाय कर रहे हैं डॉलर्स, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा हमारी डॉलर की जो पेमेंट है जो हमें स्पॉट पे करनी है वो है 2 मिलियन, हमें फ्यूचर्स का गेन हो चुका है वो भी डॉलर में है, वो कितना है 35, तो ये इतनी अमाउंट तो हम डायरेक्टली यहीं से पे कर देंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है डॉलर की उसको हम बाय करेंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, यानी हम 2 मिलियन डॉलर्स माइनस 35880 करें तो 1964120, हम कहें कि इतने डॉलर की हमें स्पॉट पे परचेजिंग करनी पड़ेगी, बाय करने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ 1.0682, तो हमारी नेट कॉस्ट हो जाएगी 1.0682 से इसे डिवाइड करें तो ये बन गई 1838719। तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है, 40 डॉलर का ही मुश्किल से जाके फ़र्क आएगा इसमें से फ़र्क करें, तो कोई यूं करना चाहे तो यूं भी ठीक है और यूं करना चाहे तो भी ठीक है। 31 टोटल अगर हम देखें तो 751 माइनस 719 तो 32 डॉलर का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, बत्तीस यूरो का। तो कोई बहुत मटेरियल फ़र्क इसमें नहीं है, ये भी कर सकते हैं आप, ये आप इसी अज्यूम कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जैसे ही आपने क्लोज़ किया उसी दिन आपको वो डॉलर मिल गए और आपने वो डॉलर यूज़ किए और बाकी बैलेंस डॉलर बाय कर लिए,
वरना हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है हम इसके थ्रू कर सकते हैं कि ये हमने मार्केट से उठा के अलग पे कर दिए और जब हमने इसे क्लोज आउट किया और हमें गेन आया तो उस हमने फॉरेन करेंसी को फिर जो है वो यूरो में लोकल करेंसी बेस करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। इतनी सी अमाउंट पे स्प्रेड का डिफरेंस है कि यहाँ हम बाइंग रेट पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ ये नेट ऑफ हो गया, इफेक्टिवली यूँ कहें कि ये सेलिंग रेट पे ही ट्रांसलेट हो गया। तो इस इतने डिफरेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, अपनी स्टैंडर्ड वर्किंग कर सकते हैं, कोई ऐसे करना चाहे तो भी ठीक है। इज़ दैट ओके? सो दिस कंक्लूड्स पार्ट ए। पार्ट ए की हम समरी ये कर सकते हैं कि हम देखें, हम आखिर में ये एडवाइस करें, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस हाउ द कंपनी कैन हेज। हमने तीनों मेथड से बता दिया कैसे हेज कर सकते हैं, और हम अगर देखें एक बार समराइज कर लेते हैं यहाँ, जब आप यहाँ पहुँच जाएँ तो फिर मैं एक समरी बना लेता हूँ कि फॉरवर्ड रेट में क्या अमाउंट थी, मनी मार्केट पे क्या थी, फ्यूचर्स हेज में क्या है। बहरहाल अनहेज रहने से तो हम बेहतर ही रहेंगे, अनहेज भी देख लेते हैं कि रहते हैं तो क्या होता। और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो इन तीनों में वो हमारा फ्यूचर्स हेज का आ रहा है, जिस पे लोएस्ट कॉस्ट है। तो अब अगर मैं इसको समराइज करूं, यहाँ तक आप सब पहुंच गए, मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि पार्ट ए को कंक्लूड करें। पार्ट ए को अगर हम कंक्लूड करें तो हमारा फॉरवर्ड के थ्रू जो हमारी अमाउंट आई थी वो क्या थी, यूरो में फॉरवर्ड के थ्रू कॉस्ट आई थी हमारी 1878993। मनी मार्केट के थ्रू क्या आई थी, 1876452। फ्यूचर्स के थ्रू अगर हमारी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1838751। तो बेस्ड ऑन द गिवन नंबर्स एंड फोरकास्ट दिस अपीयर्स टू बी द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ हेज। अगर आप बिल्कुल अनहेज रहें, वो भी एक चेक कर लेते हैं, अगर हम अनहेज रहें, बोला नहीं है वैसे ही जनरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर हम अनहेज रहें तो फिर क्या होगा, फिर हमारी वो कॉस्ट आएगी एग्जैक्टली 1872309, जो कि हमें पड़ी 2 million कन्वर्टेड एट ए स्पॉट ऑफ 1.0682। तो हमारे मेथड ऑफ हेज भी तकरीबन ये तो सबसे इकोनॉमिकल है, ये भी उसके आस ही पहुँचा रहे हैं। हेज हो के तो कम अज़ कम आप ये तो मुतमइन रहेंगे कि जी मैंने रिस्क की हेजिंग कर ली, इससे ज़्यादा मेरी कॉस्ट नहीं होगी या इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। तो अनहेज भी आप होते हैं तो तकरीबन इसके आसपास पहुंचते हैं, और ये बेस्ट मेथड है फ्यूचर्स के थ्रू आपको हेज करना चाहिए, बिकॉज जो आपके नंबर्स अगर ऐसे आप समझते हैं फोरकास्ट है तो दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ हेज इन दिस सिनेरियो। अब यहाँ तक आप पहुंच जाएं तो फिर हम करते हैं पार्ट बी अटेम्प्ट। दिस वाज अ 14 मार्क्स क्वेश्चन, और इस 14 मार्क्स में जो ज़्यादा मार्क्स ऑफ कोर्स हैं वो फ्यूचर्स हेज की कैलकुलेशन के हैं, कि वो इनडायरेक्ट हेज है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। मनी मार्केट और फॉरवर्ड काफ़ी सिंपल है। अब आइए पार्ट बी, विच इज़ अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क। पार्ट बी क्या कह रहा है हमें, एक्सप्लेन हाउ द कंपनी कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन इंटरेस्ट रेट राइज यूजिंग ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। अब ओटीसी के जो ऑप्शंस हैं, ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के ही ऑप्शंस होते हैं, वो हमें बताया गया है। हमें ये भी बताया गया है कि हमें 6 महीने में 200 मिलियन की रिक्वायरमेंट है, और 200 मिलियन की रिक्वायरमेंट बोरिंग 6 महीने के लिए होगी, विच मींस कि जी हमें इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज का रिस्क है। पार्ट बी इंटरेस्ट रेट रिस्क, अच्छा जी हम हेज सेटअप पे आए, अगर हमें 200 मिलियन की रिक्वायरमेंट है इन 6 months टाइम, यानी बाय जून एंड, और फॉर पीरियड कितना, पीरियड भी 6 months है,
राइट। इन केस ऑफ बोरिंग, अगर हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में देखते हैं, जब आप बोरिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को क्या करते हैं, आप सेल करते हैं फर्स्ट, राइट। क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को सेल करेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो फ्यूचर्स की प्राइस कम होगी, सो यू विल बाय लो देन एंड यू विल गेट कंपनसेटेड थ्रू द गेन इन फ्यूचर्स मार्केट। तो जब आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स सेल करेंगे तो फिर ऑप्शंस के केस में क्या चाहिए आपको, कौन से ऑप्शंस, यू नीड पुट ऑप्शंस, राइट। कौन सा, विच, यू नीड जून, स्ट्राइक प्राइस वो एक ही है 93 की है आपकी। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ चूंकि ओवर द काउंटर है तो आप एग्जैक्टली रुपीज़ 200 मिलियन की अमाउंट का आप ऑप्शन ले लेंगे, बिकॉज इट्स एन ओटीसी ओवर द काउंटर नेगोशिएटेड, आपका अमाउंट आप नेगोशिएट एग्जैक्टली करके एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको कर लेंगे, 200 मिलियन फॉर 6 मंथ्स आप ले लेंगे ये ऑप्शन पीरियड, राइट। प्रीमियम आपको कितना भरना पड़ेगा, प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, वो प्रीमियम है आपका एस एनुअल परसेंटेज पॉइंट्स 0.45% है ये, राइट, सॉरी 0.35 जून, 0.35% जून का, 0.45 सितंबर का है, पुट जून 93 स्ट्राइक प्राइस 0.35%। अब आप 0.35% के हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि आपकी प्रीमियम की कॉस्ट क्या होगी फॉर 6 मंथ्स, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.35% 200 मिलियन इंटू 0.35% इंटू 6/12 क्या अमाउंट बन जाएगी आपकी, 0.35 / 100 यानी परसेंटेज इंटू 6/12 ये बन जाएगी 200 मिलियन इंटू 0.35 इंटू 6/12 तो ये बन जाएगी 350,000 रुपीज़, 3.5 लाख रुपए की आपकी अपफ्रंट प्रीमियम कॉस्ट आ जाएगी। ये आप प्रीमियम कॉस्ट भरेंगे बाय पेइंग अ प्रीमियम ऑफ दिस, है ना। यू कैन गेट जून पुट ऑप्शंस एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 93, 93 की स्ट्राइक प्राइस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% इन द फ्यूचर्स मार्केट। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 8%, 9%, 10%, तो ये इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, ये 92, 91, 90, 89 ये हो जाएगी। जितना आपको स्पॉट पे लॉस होगा इंटरेस्ट का, उतना ही आपको फ्यूचर्स मार्केट में गेन हो जाएगा, यानी उसी के कंपैरिजन में, शायद प्रोपोर्शनेटली एग्जैक्टली वो ना हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन आपको स्पॉट के लॉस के अगेंस्ट फ्यूचर्स का गेन कंपनसेट कर देगा। दैट्स हाउ इट विल वर्क। अच्छा, अब बाय द टाइम यू विल बोरो उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, उस वक्त फ्यूचर्स ये जो आपकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी ये हमें नहीं बताया गया, सो वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्टली द आउटकम, बट व्हाट वी कैन से इज दैट बाय डूइंग सो यू कैन हेज। सो बाय परचेजिंग जून पुट ऑप्शंस एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 93 हेज विल बी सेटअप। ऑफ कोर्स प्रीमियम आप भरेंगे, प्रीमियम की पेमेंट करेंगे आप, वो कितनी होगी, वो 350,000 की। अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाते हैं तो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट्स, यू डोंट नीड टू स्ट्राइक द ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट 7% से कम होकर 6-5% हो जाते हैं, फाइन, यू इंजॉय द फेवरेबल मूवमेंट इन द स्पॉट मार्केट। इंटरेस्ट रेट्स स्पॉट पे बढ़ जाएं, 8-9% हो जाएं, देन दिस इंटरेस्ट रेट ऑप्शन विल एक्चुअली यहाँ पे आपको ये कंपनसेट हो जाएंगे, आप यू कैन स्ट्राइक द ऑप्शन, यूँ कह लें आप, यहाँ से कंपनसेशन आ जाएगी। अगर आप स्पॉट पे आपको ज़्यादा जो है ना नुकसान होगा, यानी ज़्यादा पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी 7% से, तो यहाँ पे आप कंपनसेट हो जाएंगे थ्रू दिस इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन करें हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन इंटरेस्ट रेट राइज, सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन।
तो ये हो गया पार्ट बी, 4 मार्क्स। कोई हमें कैलकुलेशन आउटकम की कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें कोई डेटा ही नहीं है गिवन, लेकिन हम इतनी बात एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक पहुँचें, फिर हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी इज़ अबाउट देन डिविडेंड पॉलिसी। अच्छा जी, अब मैं रीड कर रहा हूँ फर्दर, पेज टर्न ओवर करें, इसका पार्ट सी है क्वेश्चन पेपर का। द बोर्ड क्वेश्चन 3 पार्ट सी, द बोर्ड हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर योर एडवाइस ऑन वेदर MTL शुड पे अ डिविडेंड इन मार्च 2023 in respect of the year ending December 31st, 2022. This matter was discussed at a recent board meeting and the board was divided regarding the action to take. Yusuf Ahmed, the CFO, argued that MTL's policy has always been to pay out 30% of after-tax profits as a dividend and it was important to maintain this policy. A CFO ka point hai. Ali Saad, the CEO, was concerned that paying dividend would lead to a larger overdraft and this should be avoided. So there is a difference of opinion, even the management may be or board be divided, required advise the board on the practical matters that should be considered when deciding, underline the word practical matters. Humne practical elements of dividend policy discuss kiye the ki board ko wo kya practical aspects jo hai na wo dekhne chahiye before they take a decision about the dividends. Advise the board on the practical matters that should be considered when deciding on whether a dividend should be paid. Recommend with reasons whether a dividend should be paid in March 23. पहले तो बोर्ड को बताएं कि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या देखने चाहिए और दूसरा क्या है, रिकमेंड करें। अब देखें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में, एक आपको ये पता होना चाहिए कि योर रिटेन्ड अर्निंग्स आर नेचुरली इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। मैं लिखता हूँ पहले, पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपको देखना होता है वो ये कि जी योर रिटेन्ड अर्निंग्स आर द ईजीएस्ट एंड मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यही सीईओ का पॉइंट है कि जी जब ये कैश पड़ा हुआ है हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें और बाद में जाके फिर मजीद ओवरड्राफ्ट ज़्यादा लें, ठीक है, तो इसको अवॉइड करें हम। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो यहाँ है, बिकॉज ऊपर बताया गया कि MTL इज़ अ लिस्टेड एंटिटी, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सिग्नलिंग इफेक्ट का, राइट। यू हैव बीन पेइंग 30% जो है आपका पे आउट रेशो है, 30% ऑफ प्रॉफिट्स आप पे आउट कर देते हैं, है ना, तो इसकी बेसिस पे आप हिस्टोरिकली ये काम करते रहे हैं और अचानक से आज आप डिविडेंड नहीं देंगे, सो इट माइट लीड टू अ वेरी नेगेटिव सिग्नल बिकॉज अ लिस्टेड कंपनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम मैनेजमेंट, दे डू नॉट हैव जनरली अ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, ऑफ द मेजॉरिटी की होती है। दी इंफॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट की तरफ से जो कि एक अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस जो उनके पास रिपोर्ट जाती है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट सिग्नल उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है वो डिविडेंड एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल होता है। अगर आप अचानक से एक सिग्नल बंद कर देंगे इट वुड सर्व एज अ नेगेटिव सिग्नल, पीपल माइट फील दैट ओ कंपनी का कोई मसला हो गया है, कंपनी के कैश फ्लो का क्राइसिस है, कंपनी जो है डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ सकता है आपकी शेयर प्राइस पे। सो सिग्नलिंग इफेक्ट परस्पेक्टिव से दिस वुड बी अ नेगेटिव थिंग, राइट, इट वुड रिजल्ट इन अ नेगेटिव सिग्नल, जो कि बात आपके यूसुफ साहब जो कि CFO कह रहे हैं कि जी आप एक काम करते आए हैं और अचानक से नहीं करेंगे तो फिर एक एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ अबाउट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट सिग्नलिंग इफेक्ट, पर उसी के साथ दूसरी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का पॉइंट है क्लाइंटल इफेक्ट, राइट, ये दोनों इज़ अबाउट शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज यू हैव बीन पेइंग सर्टेन डिविडेंड सो यू वुड हैव अट्रैक्टेड इन योर शेयर होल्डर्स पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग सच शेयर होल्डर्स वो आर इंटरेस्टेड इन सच डिविडेंड्स एनुअली। अब अगर आप जो है अचानक से डिविडेंड इस साल नहीं देंगे तो क्या होगा, तो आपका क्लाइंटल भी अफेक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर क्लाइंटल, राइट, हु आर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस डिविडेंड। तो अगर आज आप डिविडेंड नहीं देते तो शायद आप ईज ऑफ फाइनेंस हासिल कर रहे हैं बट यू आर नॉट
जो है ना कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर शेयर होल्डर्स एंड दिस माइट इंपैक्ट योर शेयर प्राइस, दिस माइट इंपैक्ट नेगेटिवली ऑन द कंपनी एंड इट्स स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, राइट। अच्छा, अगर हम थ्योरी पर्सपेक्टिव से बात करें तो भी यहाँ हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो हम अभी हमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ओवरड्राफ्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी हम कोई डिविडेंड इसलिए विथहोल्ड नहीं कर रहे कि कोई एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई गई अचानक और उसमें इन्वेस्ट करके तो कोई बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स वेल्थ आगे जाके बढ़ने वाली है तो वो कम्युनिकेट किया जाए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। द ओनली थिंग इट विल रिजल्ट ऑफ कोर्स इज कि जी आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, कितने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, हमें भी इसका भी नहीं पता, ठीक है ना। तो वी कांट से अबाउट कि कितना नेगेटिव कैश फ्लो पे इंपैक्ट आएगा, कितना उसका ओवरड्राफ्ट का इंपैक्ट है। वो जो पैसा है, लेट सपोज करें ये रोक के अगर आप ये डिविडेंड नहीं पे करते और ओवरड्राफ्ट अवॉइड होता है तो क्या हम शेयर होल्डर को बता सकते हैं कि ये पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, राइट। सिर्फ ये कहना है कि इसकी वजह से मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा मे नॉट बी अ प्रैक्टिकल प्लॉजिबल रीज़न फॉर द शेयर होल्डर्स टू एक्सेप्ट। तो अच्छा, उसके बाद MM थ्योरी का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। MM थ्योरी कहती है कि जी आप डिविडेंड दे ना दें, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, जिसको शेयर डिविडेंड चाहिए वो अपने शेयर्स थोड़े से बेच के अपने लिए खुद कैश फ्लो जनरेट कर लेगा, तो प्राइसिंग या वैल्यू पर्सपेक्टिव से तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये MM थ्योरी कहती है। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कह रहे हैं कि दिस विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस, इट विल ऑल्सो इट माइट अफेक्ट योर शेयर होल्डर्स योर शेयर प्राइस और आपकी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पे इसका इंपैक्ट आएगा। सो बेटर हम ये रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ लिस्टेड एंटिटी यू शुड गो विथ डिविडेंड, पे आउट दैट डिविडेंड। इफ़ इट्स अ ह्यूज अमाउंट और उससे कोई बहुत ज़्यादा कोई आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ने वाला है तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा डिविडेंड कम कर दें, बट नॉट पेइंग अ डिविडेंड यू नो विल नॉट हेल्प। तो आपको डिविडेंड ज़रूर पे करना चाहिए और अगर आप समझते हैं कि बहुत वो है तो थोड़ा सा डिविडेंड कम कर दें, बट विद अप्रोप्रिएट शेयर होल्डर्स की जो है ना कम्युनिकेशन के साथ। अदरवाइज आप डिविडेंड पे करें, ओवरड्राफ्ट थोड़ा बढ़ जाए उसे मैनेज करें, कैश फ्लो मैनेजमेंट करें थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स, वर्किंग कैपिटल बेहतर कर लें और चीज़ों से, लेकिन आप शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करें ताकि सिग्नल इफेक्ट वाला जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव सिग्नल जाए और आपका क्लाइंटल ख़राब ना हो। सो दिस इज़ on the line, these lines you can write and you can articulate your answer. चार marks का question है, उसमें अगर आप इतनी बातें लिख देंगे, ये practical aspects define कर देंगे, so I believe this would be good enough. ठीक है दोस्तों, so this concludes our question number 3. यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, so then we will start question number 4, which is about CAPM portfolio theory. तो उसको हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं।